अब तक आपने देखा कामरान अकबर को बंदी बना लेते हैं और अकबर को मार गिराने की फिराक में होते हैं, जब अचानक अकबर के पिता शहंशाह हुमायूं बतौर फौज आ पहुंचते हैं। अकबर कामरान के चंगुल से बच निकलते हैं। कामरान के अत्याचारों की सजा तय करने का जिम्मा शहंशाह हुमायूं अकबर को देते हैं। पुराने रिश्तों की मर्यादा कायम रखते हुए अकबर सुल्तान कामरान को माफ कर देते हैं। हुमायूं अकबर की ताजपोशी करते हैं। हुमायूं को खबर मिलती है कि किसी ने बड़ा तोहफा भेजा है। हुमायूं अकबर से तोहफे पर से पर्दा हटाने के लिए कहते हैं। जैसे ही अकबर पर्दा हटाते हैं, सब देखकर हैरान हो जाते हैं। बैराम खान खत पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हेमू की करतूत है। अकबर हुमायूं से कहते हैं कि अगर उन सब की फौज साथ आ जाए तो वो दिल्ली पर हमला कर सकते हैं। हुमायूं इनकार करते हैं। बैराम खान शहजादे अकबर से कहता है कि दिल्ली पर हमले के लिए उन्हें आलमपना की रजामंदी लेनी होगी। शहजादे अकबर दिल्ली पर हमले के मंसूबे अपने दोस्तों को बताते हैं और सुल्तान हिंदल की मदद से बादशाह हुमायूं को जंग के लिए राजी करने की बात करते हैं। कासिम और आदम शहजादे अकबर के खिलाफ मौलवी के कान भरते हैं। बैराम खान शहजादे अकबर को बादशाह हुमायूं का फरमान बताते हैं। अकबर बैराम खान को कहते हैं कि वो गुनहगार है और सजा के हकदार भी। अब आगे मैं माफ करिएगा शहजादे, हम अपने फर्ज के हाथों मजबूर हैं। फर्ज तो हम दोनों निभा रहे हैं। आप अपने शहंशाह के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं और हम हमारे लोगों के लिए। गिरफ्तार कर लो। आज हम सब ने जो किया वो कोई गुनाह नहीं, लेकिन लेकिन दोस्त गुनाह तो आपने भी नहीं किया है ना, तो फिर सारी सजा अकेले आपको क्यों मिले? हम सब दोस्त हैं, हम इनाम भी आपस में बांटते हैं और सजा भी। आप जैसे दोस्त किसी इनाम से कम नहीं को पाए। इस भगोड़े की औलाद को जंजीरों में कैद होते तो देख लिया, लेकिन जब इसे सजाए मौत दी जाएगी वो नजारा हम कैसे ना देखे आदम। चलो ले चलो इन सबको। मैडम खान, आपकी इतनी हिमाकत की आप हमारे शहजादे और उनके दोस्तों को हमारे दरबार में बंदी बनाकर लेके आए एक गुनहगार की तरह। आलमपना, हुजूर वली अहद ने आपका जारी किया हुआ फरमान मानने से इनकार कर दिया। हमारा जारी किया हुआ फरमान? कौन सा फरमान, किस फरमान की बात कर रहे हैं आप? आलमपना, सल्तनत में किसी भी देवघर की तामीर या मरम्मत के खिलाफ जारी किया गया आपका फरमान। मौलवी साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई, हमने ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया। मुस्ताकी माफ आलमपना, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं, ये फरमान हमारी हाजिरी में ही लिखा गया था। अगर हमने आपकी हाजिरी में ये फरमान लिखवाया है तो दिखाइए, हम कहाँ है फरमान? फरमान हमारे पास है, इस शाही पर्चे की ये हालत शहजादे ने की है, लेकिन इस पर शाही मोहर और आपके पंजे के निशान साफ नजर आ रहे हैं। हमें कुछ याद नहीं कि ये फरमान हमने जारी करवाया है। आलमपना, हमें अच्छी तरह से याद है कि ये फरमान हमारी और मौलवी साहब की हाजिरी में लिखा गया है। भाईजान, हकीम साहब ने कहा है अफीम का असर हटाने के लिए ये दवाई जरूरी है, पी लीजिए।
मौलवी साहब जैसा कहते हैं वैसा उस पे उतारो, बनने पे उतारो। हाँ लिखो लिखो। काबुल खंदार के सल्तनत के हर खास आम को यह हुक्म दिया जाता है के वास्ते। अब्बा हुजूर, अपना जारी किया हुआ फरमान बर्खास्त कर दीजिए, ये नाइंसाफी है। सभी को अपने दीन और मजहब पर चलने का पूरा हक होना चाहिए। आलमपना, आपका फरमान बिल्कुल जायज है। इस सल्तनत में काफिरों को देवघर तामिर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गुस्ताखी माफ आलमपना, आप बेशक सयादे के अजीज बाप हैं, लेकिन कानून के तहत सयादे का जुर्म सजा का हकदार है। मौलवी साहब आप बजा फरमा रहे हैं, यहाँ कोई है जिससे संगीन जुर्म हुआ है और उसे उसके गुनाहों की सजा इस दरबार में नहीं बल्कि सरेआम दी जाएगी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है शहजादे? भगोड़ा अपनी औलाद को सरेआम मौत की सजा देने जा रहा है। आप सबके बीच एक गुनहगार है और हम चाहते हैं कि वो गुनहगार आप सबके सामने अपने गुनाहों को आवाज़ बुलंद कबूल करे। वो गुनहगार शहजादे अकबर नहीं है और ना ही वो उनके साथी है। तो कौन है गुनहगार? गुनहगार हैं हम खुद, आपके शहंशाह मोहम्मद भाई। क्या कह रहे हैं आलमपना? हमसे गुनाह हुआ है, गुनाह मौलवी साहब, हमसे संगीन गुनाह हुआ है। हमने इस फरमान पर अपनी मोहर लगाने का गुनाह किया। लेकिन आलमपना आपने तो खुद ही, वही हमारा गुनाह है कामरान। शहजादे अकबर बजा फरमा रहे, हर किसी को अपने मजहब पे चलने का पूरा हक है और यही वजह है कि आज हम सरेआम आप सबसे माफी मांगते हैं। गुस्ताखी माफ कीजिए आलमपना, लेकिन गाजी साहब हम फैसला कर चुके हैं, इस फरमान को अभी के अभी बर्खास्त किया जाए। सिपाहियों, शहजादे और इनके साथियों को रिहा कर दिया जाए। शहजादे, कल तक तो हम आपको सही और गलत का फर्क समझाते आए थे और आज आपने हमें हमारी गलतियों का एहसास कराया। फक्र है मैं आप पे। नहीं अब्बा जान, एक शहंशाह होकर भी माफी मांगते वक्त आपकी जुबान लड़खड़ाई नहीं, फक्र तो हमें आप पे। हम ऐलान करते हैं कि हमारे रियासत में हनुमान मंदिर की तामीर पूरे रस्म और रिवाजों के साथ की जाएगी। और जिस भी मदद की जरूरत हो उसे शाही खजाने से अता किया जाए। शहंशाह हुमायूं जिंदाबाद, सजादे अकबर जिंदाबाद, शहंशाह हुमायूं जिंदाबाद, सजादे अकबर जिंदाबाद, शहंशाह हुमायूं जिंदाबाद, सजादे अकबर जिंदाबाद, शहंशाह हुमायूं जिंदाबाद। रुक जाइए शहजादे,
अभी आपका आलम पनाह से मिलना मुनासिब नहीं है। क्यों खान बाबा, हमें अभी अपने अब्बा हुजूर से मिलना है। हम जानते आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। आलम पनाह के हालात को हम समझते हैं। कैसे हालात, क्या हुआ है अब्बा हुजूर को, बताइए खान बाबा, बोलिए। शहजादे, शहजादे, अफीम इस्तेमाल करने के आदि हो चुके हैं। इस नशे ने उन्हें अपनी गिरफ्त में कर लिया है। अफीम, आपने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया? कब से चल रहा है ये सब? आपको और अपनी सल्तनत को खोने के बाद शहंशाह के पास जिल्लत और दर्द से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, और वो था कि अपने होश खो दे। हमसे अब्बा हुजूर की ये हालत देखी नहीं जा रही, हम उनसे बात करेंगे, समझाएंगे हम। शहजादे, इस वक्त अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको देखकर अपनी नजरों में गिर जाएंगे। वो कभी नहीं चाहते थे कि आपको इस बात का पता चले, लेकिन हम उनकी मदद करना चाहते हैं, कि दर्द को कम करना चाहते हैं। आप फिक्र न करें, सुल्तान हिंदाल आते ही होंगे, उनके आते ही हम इस मसले को सुलझा लेंगे। कोई मदद नहीं कर सकते? बेशक, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस सल्तनत के वली अहद हैं, आप अपनी रियाया का ख्याल रखें, और आज मंदिर की तामीर में आपको जाना चाहिए। ये लोग गलियों में नाच रहे हैं, कल हमारे सर पर नाचेंगे। क्या आप लोग वलीयत को सब कुछ तबाह करने देंगे? ये लीजिए। आप खुश नजर नहीं आ रहे, क्या दरबार में हुई बात को लेकर परेशान है? नहीं, कुछ नहीं। हम तो भूल गए थे कि तलवार उठाना मर्दों का काम होता है। ये लो चूड़ी और पहन लो अपने हाथों में, और शामिल हो जाओ उन नाचने वालों में। शाबाश, इसी में तो मर्दान की बची। आप जानते हैं आपको क्या करना है? आप फिक्र ना करें, सीने में खंजर गाड़ने का काम हमें अच्छी तरह से आता है।
शहजादे आइए ना। नहीं गोपाल, आप जाइए। भगवान पहली आहत को लंबी उम्र दे। अब हमें अपने त्योहार डर के साए में नहीं मनाने पड़ेंगे। ऐसी भी क्या नाराजगी, बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या क्या कहा आपने? अच्छा तो अब हमसे बातें भी नहीं करेंगे। हमारी शहजादी इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी अपने अब्बू से रूम झुमरे में बातें करेंगे। सिपाही जाकर देखो वहां क्या हो रहा है। जी हजूर। हुजूर, हिंदू अवाम अपने मंदिर की तामील कर रहे हैं, शहजादे अकबर भी उनके साथ हैं। कहाँ है शहजादे अकबर? सारे रास्ते इन्होंने हमसे बात नहीं की लेकिन जैसे ही शहजादे अकबर का नाम सुना इनकी आवाज वापस आ गई। क्यों ना हो, आखिर हम शहजादी रुकैया हैं और हमसे जीतना नामुमकिन है। शहजादी, आखिर सुल्तान हिंदाल की बेटी है, एक बार जिद पर आ गई तो फिर खैर नहीं। आप फिक्र ना करें बेगम सुल्ताना, हम अभी उन्हें जाकर लेकर आते। वली अहद का है हमारे शहजादे, वो रहे अपने ही लोगों में खड़े हैं। अकेला मत छोड़ा करिए चाची जान, बहुत शरारती है। जी शहजादे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। पूजा का समय हो गया है, चलिए। बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मनोज बलम मारुत तुल्य वेगम, जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वाताम्बुजम वानरायुध मुख्यम, श्री राम दूतम
चरणं प्रपद्ये